ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हमको बताएंगे कि आप जो अंडे खा रहे हैं कहीं वो चीन के भेजे हुए नकली अंडे तो नहीं हैं, इसे कैसे पहचानना है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, देश भर में चीनी उत्पादों का विरोध हो रहा है। इस बीच केरल में चीन निर्मित कृत्रिम अंडा बिकने से केरल सरकार जो सक्रिय हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने जाँच के आदेश भी दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अंडा तमिलनाडु से आया या इडुक्की जिले से रास्ते लाया गया है, पर कहीं ना कहीं से एनीवे चीन का अंडा हमारे पास आया है। अभी मुर्गी का जो अंडा होता है प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों के चलते शरीर के लिए लाभदायक होता है, लेकिन कृत्रिम अंडा केवल रासायनिक पदार्थों से तैयार होता है जिससे शरीर को फायदे के बजाय नुकसान होता है। इस अंडे की जो बाहरी परत है उस पर कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम पाउडर और मोम से तैयार होता है, जबकि भीतर सोडियम एलिग्नेट, एलम, जिलेटिन और कैल्शियम क्लोराइड के मिश्रण को भरा जाता है। कुछ कृत्रिम अंडों के भीतर स्टार्च और राल भी पाया जाता है। अभी कृत्रिम अंडे और असली अंडे के बीच का जो फर्क है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कृत्रिम अंडे का हल्के भूरे रंग की बाहरी परत थोड़ा खुरदरी होती है, जबकि असली का चिकना होता है। उबालने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण तोड़ने में कृत्रिम अंडे का भीतरी हिस्सा असली की तुलना में कड़ा होता है। भीतर की पीली जर्दी रबर की गेंद की तरह हो जाती है और थोड़ी ऊंचाई से छोड़ने पर गेंद जैसी उछलती भी है। यह धारदार वस्तु से ही कटती है। केरल के चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक कृत्रिम अंडे के भीतर से सामान्य अंडे जैसा ही पदार्थ निकलता है। इसे खुला छोड़ने पर मक्खी और अन्य कीड़े उसके पास नहीं आते हैं और ये जल्द खराब भी नहीं होता है। बताया जा रहा है कि असली अंडे को तैयार करने में पोल्ट्री फार्म में जितना खर्च होता है, कृत्रिम अंडे को बनाने में खर्च उससे कई गुना कम होता है। इसलिए चीन में बड़े पैमाने पर इसे बनाया जा रहा है और खपत वाले देशों में भेजा जा रहा है। तो कृत्रिम अंडे की पहचान बता दी मैंने आपको। तो कृत्रिम अंडे को फोड़ते ही भीतर के सफ़ेद और अंडे की जर्दी जल्दी मिल जाते हैं। इसकी बाहरी परत असल में मुकाबले में थोड़ा सा चमकीला ज़्यादा होता है। तो यदि आप कृत्रिम अंडे को खोलने से पहले हिलाएंगे तो भीतर से आवाज़ आएगी, इससे कोई गंध नहीं आती है, जबकि असली अंडे में हल्की सी गंध आती है। तो ये दोनों का फ़र्क है। तो ध्यान रहे और बिल्कुल आप देख लीजिएगा कि आप नकली अंडा नहीं खा रहे हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।